अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आज जनाब आपके लिए दम पुख्त की रेसिपी लेके हाजिर हुआ हूँ। हमने हाफ के जी बीफ का गोश्त लिया है, इसको क्यूब्स में हमने काट लिया। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें किस तरह हमने इसको क्यूब्स में काटा है। बगैर हड्डी का हमारा गोश्त है और कोशिश करेंगे कि इसमें कम से कम फैट हो। ठीक है, ये देखिए क्यूब्स में हमारी गोटियाँ हैं। प्याज ली है, उसको हम स्लाइसिस में कट कर लेंगे और इसके बाद जनाब आधी हमने गड्डी कोरिएंडर, ग्रीन कोरिएंडर की, उसको हम चॉप कर लेंगे। हरा धनिया भी हमारा चॉप हो गया है। इसके बाद जनाब हमने दो क्लोव गार्लिक के लिए है, उसको हम स्लाइस कट कर लेंगे। और जनाब इसके बाद हमने एक इंच का अदरक का टुकड़ा लिया, उसको भी हम स्लाइस में कट कर लेंगे। दो हमने हरी मिर्चें ली हैं, उसको हम चॉप हो गए। अब जनाब 250 ग्राम हमने दही लेनी है, उसको भी हम एक बाउल में निकाल लेंगे। ये तमाम जनाब इंग्रेडिएंट्स हमने अपने पास तैयार करके रख लिए। 1 टेबल स्पून हमने ज़ीरे का भी लेना है इसके बाद, ठीक है। और सॉल्ट को भी हम तैयार करेंगे हसबे ज़ायका। ये लीजिए, तमाम अज्जा हमारे तैयार हो गए। अब इनको तैयार करने के बाद जनाब गोश्त को हम एक बर्तन में डाल लेंगे। ये लीजिए, हमने गोश्त को अपने बर्तन में डालना शुरू कर दिया। हम मैरिनेशन कर रहे हैं इस गोश्त की, ठीक है। बर्तन में गोश्त डालने के बाद जनाब इसमें अब हम तमाम इन्ग्रीडियंट्स को शामिल करेंगे। ये लीजिए जनाब, हमने इसमें प्याज शामिल कर दी, अदरक शामिल कर दी, हरा धनिया, हरी मिर्चें हमने इसमें शामिल कर दी। ये लीजिए, हम इसमें डालते चले जा रहे हैं, ठीक है। इसको 1 घंटे के लिए हम कम अज़ कम मैरिनेट करके रखेंगे। अब जनाब इसमें बारी है नमक डालने की। नमक हसबे ज़ायका लीजिएगा, मैंने 1/2 टेबल स्पून लिया है, आप अपने हसबे ज़ायका नमक इस्तेमाल कर लीजिएगा। ये लीजिए जनाब, हम अपने डिश में नमक डालते चले जा रहे हैं, ठीक है। ये नमक हमने शामिल कर लिया इसमें। कम अज़ कम जैसे मैंने अर्ज़ किया, 1 घंटे के लिए आपने इसको मैरिनेट करना है। अगर ज़्यादा देर के लिए आप मैरिनेट या ओवरनाइट कर लें तो दैट कैन बी बेस्ट वे। जनाब इसके बाद हमने इसमें 1 टेबल स्पून क्यूमिन यानी ज़ीरा हमने इसमें शामिल कर लिया। जनाब इसके बाद हम इसमें जो हमने 250 ग्राम दही तैयार की थी उसको हम शामिल करेंगे। ये लीजिए, हम दही डालते चले जा रहे हैं इसमें। अब जनाब इन तमाम अज्जा को हम अपने गोश्त में बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा टाइम देंगे हम मिक्स करने के लिए, ताकि हमारा जो दही है और मसाले हैं वो हमारे गोश्त में अच्छी तरह जज्ब हो जाए। वो ईद हो, बकरा ईद हो, या वैसे कोई पार्टी हो या घर में दावत हो, बहुत ही आसान और ज़बरदस्त रेसिपी, सिर्फ एक ज़ीरे और नमक की मदद से तैयार हुई है। इसमें और कोई दूसरा मसाला नहीं डाला आपके सामने, और इंशाल्लाह जब आप इसको बना के खाएंगे तो यू गोना एंजॉय इट, यू गोना लव इट। अब हम इसको कवर कर देंगे, ठीक है, लिड इसके ऊपर रख के इसको 1 घंटे के लिए कम अज़ कम मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। जनाब कवर कर दिया हमने इसको। अब जनाब 1 घंटे के बाद हम अपने बर्तन में 1/2 कप ऑयल गरम करेंगे। ये लीजिए जनाब, ऑयल हमने शामिल कर लिया। ऑयल शामिल करने के बाद इसको थोड़ा सा हीट अप होने देंगे और उसके बाद जनाब इसमें हम अपना मैरिनेटेड गोश्त शामिल करेंगे। ये लीजिए जनाब, हम इसमें अपना गोश्त शामिल करते चले जा रहे हैं। जनाब आपका अपना चैनल है, नया चैनल है, इसको आपकी सपोर्ट की, आपकी मोहब्बत, आपकी करम नवाजी की ज़रूरत है। इसको अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को पूरा देख के अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और लास्ट में कमेंट्स दीजिएगा प्लीज़, ठीक है। चलिए जनाब, हमने ऑयल में अपने मैरिनेटेड गोश्त को शामिल कर लिया। अब इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे ऑयल में, ठीक है ना। ये तमाम स्टेप्स को इंशाल्लाह फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ज़बरदस्त डिश तैयार मिलेगी, ठीक है। ये जगह हम इसको ऑयल में मिक्स करते चले जा रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे। साइडों से इसको साफ भी करते चले जाएंगे सुगर बीबियों की तरह, ठीक है। चले जाए, ये हम
इसको मिक्स करते चले जा रहे हैं। ये हो गई हमारी अच्छी तरह मिक्स। अब जनाब हम इसको कवर करेंगे लिट के ज़रिए, और इसके बाद जनाब इसको आटे की मदद से इसको चारों तरफ से हम सील कर देंगे। ये देखिए, इस बात का ख्याल रहे कि आपने चूल्हा बंद कर दिया, वरना आपके हाथ जलने का अंदेशा है। ये चारों तरफ से हमने इसको आटे की मदद से सील कर दिया, ठीक है। ये जनाब बहुत अच्छी तरीके से हमने इसको, ताकि इसकी जो भाप है वो बाहर ना निकले, ठीक है। ये जनाब हो गया सील। अब जनाब क्या करेंगे, इसको हम 45 मिनट्स के लिए बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर गोश्त को गलने के लिए हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है। ये जनाब हमने 45 मिनट्स के लिए इसको छोड़ दिया। 45 मिनट्स के बाद जनाब मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हुआ, और देखिए जनाब गोश्त हमारा किस तरीके से गल रहा है। तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक गल चुका है। बकर ईद के मौके पर मैंने आपके लिए बेहतरीन डिशेज़ तैयार किए हैं, जिसमें नमकीन गोश्त की डिश भी शामिल है, चांपों की डिश भी शामिल है, बारबेक्यू चिकन बोटी की मसाले की डिश शामिल है, और जनाब मसाला बोटी की भी डिश शामिल है। इसके अलावा हर दिन की, बकरीद के पहले दिन की, दूसरे दिन की, तीसरे दिन के डिफरेंट मेनूज़ की भी मैंने आपके लिए रेसिपीज़ तैयार की हैं, वो इंशाल्लाह आपको तमाम डिस्क्रिप्शन में हर रेसिपी की मिल जाया करेगी, तो उनको लाजमी आप देखें और उससे फ़ायदा उठाएँ। चलिए जनाब अब इसको हम फ्राई की तरफ लेके जाते हैं। इसको हम इंशाल्लाह 3 मिनट के लिए लो से मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसको फ्राई करेंगे, ताकि इसका जो पानी है वो खुश्क होना शुरू हो जाए और हमारी डिश बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। देखिए अब बाकी सारा जो काम है वो फ्राई का है, ठीक है। आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से फ्राई करना है, और जिस अंदाज़ में मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, जितनी टाइमिंग से मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि आपने इतनी देर फ्राई करना है, तो इंशाल्लाह इस तरह करेंगे, आपको बहुत ज़बरदस्त डिश आपकी तैयार होगी। फ्राई करते चले जा रहे हैं, थोड़ा सा स्टाइल मार लिया क्लोज अप लेने का, ताकि भाई आपकी दिलचस्पी बाकी रहे ना यहाँ। लेकिन क्या क्या जतन करने पड़ते हैं आपको खुश रखने के लिए, खुश करने के लिए। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये अंदाज़ पसंद आएगा। ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि बाबा ये अंदाज़ ठीक है या ठीक नहीं है। इंशाल्लाह उस लिहाज से हम अपनी रेसिपीज़ को आपकी पसंद के मुताबिक चेंज कर लेंगे, ठीक है ना जनाब। 3 मिनट पूरे हुए, अब इसको हम मीडियम फ्लेम के ऊपर अपने चूल्हे को रखेंगे, और इसको 2 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे। हमने 2 मिनट के लिए इसको फ्राई करना शुरू कर दिया है, लेकिन इसमें इतना अच्छे तरीके से ये फ्राई हो रही है। जो हमारा एक्सेसिव पानी था वो भी तकरीबन खुश्क हो चुका, देखिए ऑयल हमारा ऊपर आ चुका है। अब आखिर में इसको 1 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर हम चूल्हे को रखेंगे, और 1 मिनट के लिए इसको जरा फाइनल हम फ्राई करेंगे। देखिए जल्दी जल्दी चमचा हम चलाएँगे, ताकि ये बॉटम पे साइडों पर ना लगे, साइडों से भी इसको साफ़ करते चले जाएँगे, ठीक है। ये लीजिए जनाब, 1 मिनट हमारा पूरा हुआ। बर्नर को कीजिए बंद, और अपनी डिश को होने दीजिए सेटल डाउन। ये देखिए जनाब हमारी डिश हो गई सेटल डाउन, माशाल्लाह सुबहानअल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी डिश तैयार हुई है। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको आज की ये डिश ज़रूर पसंद आई होगी। इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। जब मैंने ट्राई करके अपने घर वालों के सामने पेश की, तो आप यकीन जाने वाह वाह हो रही थी। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप भी इसको ट्राई करेंगे। चले जनाब, अपना, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, अपने चैनल का ख्याल रखिए, अपने बाबा को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आज जनाब आपके लिए मटन मसाला मक्खन कढ़ाई की रेसिपी लेके हाजिर हुआ। जनाब हमने आधा किलो मटन का गोश्त लिया,
और मटन का गोश्त ज़्यादातर हमारा रूखा होगा, मतलब ये कि इसमें चिकनाई कम होगी। देखिए मैं आपको बोचें उठा के दिखा रहा हूँ, इसमें फैट यानी चिकनाई कम है। हड्डियाँ वो रखें जिसमें अंदर गूदा हो। ये देखिए मैं आपको उठा के इसको दिखा देता हूँ, या आप इसको दबा के देखिएगा, इसमें अंदर ये गूदा होगा। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा डिश का, ठीक है। हल्की फुल्की फैट लगी हो तो इट्स ऑलराइट। चलिए जनाब, उसके बाद हमने दो टमाटर लिए, उसको हमने स्लाइसेस में काट लिया। जी जनाब, स्लाइसेस में हम टमाटरों को काटते चले जा रहे हैं। टमाटर हो गए हमारे रेडी। उसके बाद जनाब हम स्पाइसेस को एक प्लेट में निकालना शुरू कर देंगे, ठीक है। तमाम की क्वांटिटी मैंने आपकी सहूलत के लिए एक अलहदा पेज पे लिख दी है, आप वहाँ से मुलाहिजा फरमा लीजिएगा, और स्क्रीन पर भी आपके पास लिखा हुआ आ रहा होगा, ठीक है। ये लीजिए जनाब, आपके स्पाइसेस भी हो गए तकरीबन मुकम्मल। ये लीजिए लास्ट वन चला गया प्लेट में। अब जनाब हम हरे धनिया को चॉप कर लेते हैं। हैंडफुल हमने हरा धनिया लिया है, ठीक है। ये हम लास्ट में जब अपने डिश को फ्राई कर लेंगे तो उसके बाद इंशाल्लाह इसके साथ हम इसको तैयार करेंगे। तीन हमने बड़ी हरी मिर्चें लिए हैं जो कढ़ाई मिल जाती हैं, ठीक है। इसको हम तैयार कर लेते हैं। इसको हम ले लीजिए, हमने इसको उसमें जनाब हमने अपना गोश्त को डाल दिया। इसको तकरीबन दो मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे। दो से तीन मिनट इसको हम मीडियम आँच से लो आँच के ऊपर इसको हम फ्राई करेंगे, ठीक है। देखिए दो मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे। ऑयल गर्म हो गया तो अब ये गोश्त हमारा कलर चेंज करना शुरू कर देगा। जनाब मटन मसाले की कढ़ाई आपने बहुत खाई होगी, लेकिन मक्खन मार के जी जनाब, मक्खन वाली मटन मसाला कढ़ाई ये आपको पहली दफ़ा इंशाल्लाह यूट्यूब मिलेगी, ठीक है। इसको आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत इंजॉय होगा जनाब। अब इसके बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून गार्लिक जिंजर पेस्ट शामिल कर लेंगे। पता है ना, गार्लिक जिंजर पेस्ट के साथ हम अपने गोश्त को फ्राई करते हैं ताकि उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। हम इसको 2 मिनट मज़ीद फ्राई करेंगे गार्लिक जिंजर पेस्ट के साथ। फ्राई करते चले जा रहे हैं। चूल्हा हमने बदस्तूर लो टू मीडियम रखा है। अब जनाब इसमें हम स्पाइसेस, जो हमने टमाटर और स्पाइसेस निकाल के रखे थे एक प्लेट में, वो इसमें शामिल करेंगे। ये देखिए जनाब, तो अपने टमाटरों को स्पाइसेस को अपनी डिश में डालते चले जा रहे हैं। ये हंडिया में चले गए हमारे तमाम सामान। अब जनाब इसके साथ हम इसको फ्राई करेंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसमें 1/4 कप पानी डाल लेंगे, जो मसालों की हमारी प्लेट थी उसी में के सारे मसाले इसमें हमारे शामिल हो जाए, कोई मसाला ज़ाया ना हो। ये जनाब चारों तरफ से इसको साफ़ करेंगे। इसके बाद जनाब इसको 45 मिनट्स के लिए हम कवर करके इंतहाई धीमी आंच के ऊपर, लो फ्लेम के ऊपर हम इसको कवर करके 45 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। जनाब ये एक स्टेप हमारा हो गया मुकम्मल। जितनी देर में हमारा गोश्त गलता है, अब हम इस अपनी रेसिपी के दूसरी स्टेज की तरफ आते हैं। 6 टेबल स्पून हमने ऑयल लिया जनाब। ये हमने तमाम खड़े मसाले, साबुत मसाले, इस तमाम की क्वांटिटी भी मैंने अलहदा पेज पे आपको दे दी है, यहाँ भी लिखी नज़र आ रही है। इसको हम जनाब 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। शुरू में मैंने ऑयल ज़रा कम डाला था, लेकिन मुझे लगा कि ये काफ़ी नहीं रहेगा, तो बाद में मैंने ऑयल और डाल लिया। ये लीजिए जनाब, इसमें हम 2 स्लाइस्ड ऑनियन शामिल करेंगे। इसको हम सोते कर लेंगे 1 मिनट फ्राई करके। हमने बर्नर को स्टिल हमने लो फ्लेम के ऊपर रखा है। इसको साफ करते चले जाएंगे ताकि स्पाइसेस जो है वो साइड में लग के ना जले। इसको मिक्स करते चले जाएंगे जनाब। इसके बाद हम इसमें जो हमने हरी प्याज, इसमें जो हमने हरी मिर्चें हमने रादर काट के रखी थी वो शामिल कर लेंगे, और हरी मिर्चों के साथ भी इसको 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, ठीक है। ये लीजिए जनाब, हरी मिर्चों के साथ हम फ्राई करते चले जा रहे हैं।
आपने अगर गौर फरमाए हो तो मैंने हरी मिर्चों के जो बीज हैं वो मैंने निकाल दिए हैं। सिर्फ टेस्ट के लिए मैं हरी मिर्च जो खाली हरी मिर्चों के छिलके जो हैं वो इसमें शामिल कर रहा हूँ। ठीक है, आप चाहें तो बीज भी शामिल कर लीजिए, लेकिन आई प्रेफर फॉर दिस रेसिपी। ये जनाब एक मिनट पूरा हुआ, इसके बाद हमने इसमें अब मक्खन मारना है। ये सीक्रेट है इस डिश की जो मैं आपसे आज कर रहा हूँ। ये इसका ख़ास एक स्टेप है जो आपको बाकी डिशेज में यूट्यूब के ऊपर नहीं मिलेगा मटन मसाले की रेसिपीज़ में। ये जनाब 2 टेबल स्पून हमने इसमें मक्खन शामिल किया, बटर शामिल किया, इसके साथ हम इसको फ्राई करेंगे। ठीक है, एक मिनट इसको भी फ्राई करेंगे ताकि हमारा बटर जो है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ले लीजिए जनाब, हमारा ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब फ्राइंग पैन को हम उठा के एक साइड पे रख देंगे। अब वापस जाएंगे हम अपनी मेन डिश की तरफ। जनाब कवर को हम हटा लेंगे। देखें माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत हमारा गोश्त गल के तैयार हुआ है। ठीक है, अब इसको मज़ीद हम फ्राई करेंगे ताकि इसका जो एक्सेसिव पानी है वो खुश्क हो जाए और इसको हम फ्राई की तरफ लेके जाएं। ठीक है, ये 3 मिनट के लिए इसको हम फ्राई करेंगे। अब आँच को हमने बदस्तूर लो टू मीडियम पे रखा हुआ है। नीचे चला हम अपने गोश्त को फ्राई करते चले जा रहे हैं। उस वक्त तक हम इसको फ्राई करेंगे जब तक हमारा पानी खुश्क ना हो जाए और हमारा ऑयल जो है डिश का वो ऊपर ना आ जाए। ठीक है, ये लीजिए जनाब हमारा पानी तकरीबन खुश्क हो गया। इसमें अब हम 1 टेबल स्पून क्रश्ड ब्लैक पेपर यानी काली मिर्ची हम इसको शामिल कर इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे 1 मिनट के लिए। तो 1 मिनट हमारा पूरा हुआ, अब इसमें हम मज़ीद 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी शामिल करेंगे। ठीक है, कढ़ाई हो कसूरी मेथी ना हो तो ये तो नहीं हो सकता। ये हमने कसूरी मेथी इसमें शामिल कर ली। अब कसूरी मेथी के साथ इसको फ्राई करेंगे। ये माशाल्लाह देखें डिश का कितना खूबसूरत कलर आता चला जा रहा है जी, किस तरह फ्राई होती चली जा रही है। इंशाल्लाह बना के खाएंगे तो ये बड़ा लव। हम इसको कसूरी मेथी के साथ 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अब जनाब जो हमने अपने स्पाइसेस ऑनियन ठीक है वो उसको फ्राई करके रखा था, अब इस स्टेज के ऊपर उसको हम कढ़ाई में शामिल करेंगे। एंड दिस इज एन अदर सीक्रेट स्टेप ऑफ दिस रेसिपी। ये लीजिए जनाब इसको हम 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे अपने स्पाइसेस में कढ़ाई को, ताकि कढ़ाई के अंदर हमारे स्पाइसेस की जो खुशबू है वो अच्छी तरीके से रच बस जाए। तो थोड़ा सा हमने अब इस स्टेज के ऊपर अपने चूल्हे को लो से हल्का सा बढ़ा के मीडियम की तरफ लेकर आए और इसके साथ इसको हम फ्राई करें। ठीक है, देखिए हमारा पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, डिश का ऑयल हमारा ऊपर आ चुका है। ठीक है, ये लीजिए जनाब इस तरह हम इसको फ्राई करते चले जा रहे हैं। इसके बाद जनाब हम इसमें हरा धनिया जो हमने चॉप करके रखा था वो इसमें शामिल करेंगे। हरा धनिया भी हमारा शामिल हो गया, हरे धनिया के साथ इसको हम फ्राई कर देंगे। जनाब ये आपका अपना चैनल है, नया चैनल है, आपकी सपोर्ट मोहब्बत की हमें ज़रूरत है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में फॉरवर्ड कीजिए और वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए। ये लीजिए जनाब हरे धनिया के साथ फ्राई करके आपकी डिश हो गई तैयार। और लीजिए जनाब माशाल्लाह देखें देखने में कितनी खूबसूरत हो, जब मैंने बना के प्रेजेंट की फैमिली को तो दे एवरीबॉडी लव्ड इट। जनाब उम्मीद है आज की आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अपना अपने घर वालों का सब लोगों का ख्याल रखिए, अपने चैनल का ख्याल रखिए, अपने बाबा को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और रेसिपी के साथ आपका दोस्त रईस राजपूत आपकी खिदमत में हाजिर है। आज इंशाल्लाह हम शिनवाली चिकन कढ़ाई बनाएंगे। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, इस ऑयल में हम चिकन डाल के उसको इंशाल्लाह फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
फिर हमने चिकन डाल दी। हमने तकरीबन हाफ के जी चिकन लिए बोन के साथ, तो जब चिकन फ्राई हो जाएगी तो इंशाल्लाह इसमें फिर एक 1.5 टी स्पून हम लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो इंशाल्लाह शामिल करेंगे। इसको 2-3 मिनट लहसुन अदरक के पेस्ट में फ्राई करने के बाद हम इसमें हसबे ज़ायका नमक शामिल करेंगे। मैं तकरीबन कम से कम नमक शामिल करने की कोशिश करता हूँ। अपनी पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि कम नमक इस्तेमाल करने के फ़वाद क्या हैं, आप हाई ब्लड प्रेशर वगैरह मुख्तलिफ बीमारियों से बच जाते हैं। तो लीजिए जनाब, नमक इसमें शामिल किया और अभी हम इसको 2-4 मिनट और मज़ीद इसको फ्राई करेंगे। देखिए, हमने इसको इतना फ्राई कर लिया, इतना भून लिया कि चिकन का जो कलर है वो चेंज हो गया है। जब चिकन आपकी फ्राई हो जाए, आप मुतमइन हो जाएं, तो इसके बाद अब हमारा अगला मरहला इसमें टमाटर शामिल करने का है। हाफ के जी चिकन की कढ़ाई के लिए मैंने 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर्स को इस तरह 2 स्लाइस में करके, तो मैं इसको इसमें शामिल करूंगा इस तरह, और उसके बाद इसको हल्की आंच पे हम टमाटर्स को गलने के लिए छोड़ देंगे। टमाटर्स को शामिल करने के बाद हम इसको कवर कर देंगे ताकि इसकी भाप से टमाटर गलना शुरू हो जाए, और हम इसके फ्लेम को जो है वो लो रख देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे टमाटर गल चुके हैं। अब अगले स्टेज के ऊपर हम टमाटरों का छिलका अलग-अलग कर लेंगे। हमने टमाटरों के छिलके अलग-अलग कर लिए, अब टमाटरों को इसमें फ्राई करना शुरू कर देंगे। देखिए, टमाटरों ने अपनी इतना पानी छोड़ दिया कि हम चिकन को इसमें बड़े आराम से चूल्हा तेज़ करके तो इसको हम इंशाल्लाह फ्राई कर लेंगे। चिकन को हम टमाटर में अच्छी तरह फ्राई करेंगे और जो ये टमाटर के बाकी मानदा छिलके हैं तो उसको भी हम इंशाल्लाह निकाल देंगे। जब टमाटर अच्छी तरह गल जाएंगे तो उसमें हम उसके बाद हम इसमें 2 टीस्पून योगर्ट के शामिल करेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका जो मसाला है वो बहुत अच्छी तरीके से तैयार होगा और चिकन कढ़ाई के अंदर एक बहुत खूबसूरत और मज़ेदार सा टेस्ट भी आ जाएगा। इस मरहले पर हम इसमें अपने मसाले शामिल करेंगे। जी देखें, मैंने 1/2 टी स्पून कुटी मिर्च ली है, 1/2 टी स्पून काली मिर्च ली है, 1/2 टी स्पून ही मैंने ज़ीरा का पाउडर लिया है, और 1/2 टी स्पून मैंने इसमें धनिया का पाउडर लिया है। अब हम इंशाल्लाह इसको इसमें मिक्स करेंगे। जी जनाब, मसाले मिक्स करने के बाद हम इसको हल्के हल्के चलाते रहेंगे ताकि मसाला जो है वो नीचे ना लगे हंडिया के और साइडों पे ना लगे। अगर कुछ लग रहा हो तो उसको हम इस तरह चम्मच से मिलाते चले जाएंगे। तकरीबन हमारी कढ़ाई जो है वो भुनाई पर तैयार है। बस भुनाई के आखिरी मरहले पर इसको फाइनल टचिंग देने के लिए एज अ गार्निश हम इसमें 1/2 टी स्पून जो है वो कसूरी मेथी शामिल करेंगे ताकि इसमें एक कसूरी मेथी की खुशबू भी आ जाए और आपकी कढ़ाई मज़ीद मज़ेदार हो जाए। देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आना शुरू हो गया। बिल्कुल आखिरी मरहले पर हम इसमें हरी मिर्चें जो हमारी कढ़ाई में जाती हैं वो हम शामिल करेंगे ताकि इसके हरी मिर्चों का जायका भी इसमें आ जाए और इसमें एक तीखापन जो हरी मिर्च का होता है वो भी आ जाए। ये नॉर्मल हरी मिर्च नहीं है, ये बल्कि स्पेशल कढ़ाई के लिए जो बड़ी हरी मिर्च होती है वो हमने शामिल की है। बिल्कुल आखिर में इसको शामिल करने का मकसद ये है कि हमारा इसमें जायका जो हरी मिर्च का है वो इसमें ऊपर से आए। माशाल्लाह से हमारी डिश बिल्कुल रेडी हो चुकी है।
सर्व करने के लिए। देखिए जनाब, माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आया है और हरी मिर्चों का गार्निश कितनी खूबसूरत इसको नज़र आ रही है। तो इस तरह का हम इंशाल्लाह अपनी कढ़ाई को तैयार करेंगे तो खाने में भी बहुत अच्छा टेस्ट देगी और हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी रहेगी। देखें इसमें ऑयल कितना कम हमने इस्तेमाल किया है, हसब ज़रूरत बहुत ही कम इस्तेमाल किया है, जो हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। इंशाल्लाह इसको ट्राई करें, ट्राई करके इसका जो रिज़ल्ट है वो कमेंट बॉक्स में लिखें नीचे और अपने मशवरों से हमें नवाजें। तो इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ हाजिर खिदमत होंगे। इंशाल्लाह इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और इसको चैनल को अपने लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आज जनाब आपके लिए काली मिर्च मलाई मटन कढ़ाई की रेसिपी लेके हाजिर हुआ हूँ। इंतहाई मुनफरिद और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट जनाब। हाफ के जी हमने मटन लिया है, हड्डियों के साथ है मटन। ये देखिए हड्डियाँ बोटियाँ चिकनाई थोड़ी बहुत लगी हुई। इसके बाद जनाब हमने 3 गार्लिक के क्लोव लिए हैं, उसको हम चॉप कर लेंगे। और जनाब हमने 1 दरमियाने साइज की प्याज ली है और उसको हम स्लाइस में काट लेंगे। इसके बाद जनाब हमने स्पाइसेस में 1 टेबल स्पून हमने ज़ीरा लिया है। देखिए डिफरेंट अंदाज में इस दफ़ा आपके बाबा ने ज़ीरे को प्रेजेंट किया आपके लिए, उम्मीद है इंशाल्लाह पसंद आएगा आपको। और लीजिए जनाब हमने 1 टेबल स्पून क्रश्ड काली मिर्चें हमने ली हैं, ठीक है। और जनाब नमक हमने हसबे जायका लिया है और 6 टेबल स्पून हमने असली घी में मैंने इस डिश को बनाया है। आप असली घी में बनाएं या ऑयल में बनाएं, इस इंटायरली अप टू यू जनाब। इसके बाद हमने गोश्त को शामिल किया ऑयल को घी को हीटअप करने के बाद और इसको हम 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। चूल्हे की आँच को हमने लो टू मीडियम रखा है, मीडियम टू हाई नहीं रखा। इस बात का ख्याल रखिएगा वरना आपका बहुत ज़्यादा ऑयल के छींटे पड़ेंगे जनाब। इसके बाद हमने इसमें जो हमने चॉप की हुई गार्लिक थी वो हम इसमें शामिल कर लिए। ले लीजिए गार्लिक शामिल कर ली इसमें, गोश्त में गार्लिक शामिल करने के बाद जनाब इस हंडिये को हम 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। ले लीजिए जनाब हम इसको फ्राई करते चले जा रहे हैं जनाब। इसमें अब हम काली मिर्चें शामिल करेंगे, ब्लैक पेपर हम इसमें शामिल करते हैं, ठीक है। ये देखिए मैं इसमें ब्लैक पेपर इसमें शामिल कर लिया हमने और ब्लैक पेपर के साथ इसको हम डिश को 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आ रहा है, फ्राई होने के साथ साथ हमारे डिश का गोश्त का कलर चेंज होता चला जा रहा है। और इसके बाद जनाब हम इसमें नमक शामिल करेंगे हसबे ज़ायका। हमने इसमें नमक भी शामिल कर लिया। नमक शामिल करने के बाद जनाब इसको हम मिक्स करेंगे नमक को, और नमक को मिक्स करने के बाद इसमें हम 1/2 टीस्पून आधा हमने टेबल स्पून इसमें सौंफ का शामिल करना है। जी हाँ जनाब, सौंफ शामिल करेंगे। दिस इज़ व्हाट वी आई एक्सपेरिमेंटेड एंड इट वेंट वेरी वेल जनाब। सौंफ के साथ हम इसको मिक्स करेंगे। सौंफ शामिल करने के बाद इसमें जनाब 1 टेबल स्पून हम ज़ीरा शामिल करेंगे। ये देखिए जनाब हमने इसमें ज़ीरा भी शामिल कर लिया और ज़ीरे के साथ इसको हम फ्राई करेंगे ले जा रहे हैं हम। इसके बाद जनाब 1/2 इंच का हमने चॉप जिंजर लिया है, अदरक को हम इसमें शामिल करेंगे और अदरक के साथ इसको हम फ्राई करेंगे फॉर एनदर। और इसके बाद जनाब इसमें हम 1/2 गिलास पानी का शामिल करेंगे। पानी शामिल करने के बाद इसको हम कवर करेंगे
बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर इसको 45 मिनट्स के लिए गोश्त को गलने के लिए छोड़ देंगे। आते हैं जनाब दूसरे स्टेप की तरफ। 3 टेबल स्पून जनाब बटर का हम लेंगे। जनाब ये आपका अपना चैनल है, नया चैनल है, आपसे दरख्वास्त है कि इसको सब्सक्राइब कीजिए अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो। वीडियो को पूरी वॉच कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको रेसिपीज बर वक्त मिलती रहे। जनाब प्याज को शामिल करने के बाद हम इसको 2 मिनट फ्राई करेंगे। प्याज को सोते कर लिया हमने और इसके बाद जनाब हम इसमें 1/4 टीस्पून साबुत धनिया शामिल करेंगे। जी जनाब बना के देखें आप इस अंदाज में, आप देखें किस तरह की बेहतरीन डिश तैयार होगी। जनाब साबुत धनिया शामिल करने के बाद इसमें हम 1/4 टीस्पून की सौंफ शामिल करेंगे। जनाब इसके साथ हम इसको 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद हम अपने फ्राइड ऑनियन को साइड में रख देखें। माशाल्लाह से हमारा गोश्त गल के बिल्कुल तैयार हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहानअल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह की किस किस नेमत का हम शुक्र अदा करें। जनाब इसमें अब हम 4 टेबल स्पून दही के शामिल करेंगे। दही को मैंने फेंट लिया और दही शामिल करने के बाद इसमें जनाब हम इसको 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। बर्नर को स्टिल हमने लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर रखा है। जी हम डिश को फ्राई करते चले जा रहे हैं। जनाब इसके बाद इसमें हम क्रीम शामिल करेंगे। 4 टेबल स्पून हमने क्रीम ली है, यहाँ लोकल सुपर स्टोर एसडा होती है यूके में, वहाँ से मैंने सिंगल क्रीम ली है और सिंगल क्रीम को इसमें शामिल करके इसको मज़ीद 3 मिनट्स के लिए फ्राई करूँगा। जनाब अब इसमें हम फ्राइड ऑनियन को शामिल करेंगे। ये लीजिए फ्राइड ऑनियन इसमें शामिल कर ली। फ्राइड ऑनियन शामिल करने के बाद इसको हम मज़ीद 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और इस दफ़ा हम अपने फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे ताकि हम अपने फाइनल फ्राई को डिश को निकल जाएँ। लीजिए जनाब 4 मिनट हमारे हो गए पूरे। करते हैं बर्नर को ऑफ। ये लीजिए जनाब आपकी काली मिर्च मलाई मटन कढ़ाई तैयार है। जनाब इसको करेंगे कवर और जनाब इसको इंशाल्लाह नोश फरमाएंगे नान के साथ। उम्मीद है जनाब आज की आपको रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। बिल्कुल डिफरेंट है, आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। वाइट आपको मलाई वाली डिशेस ज़रूर मिलेंगी लेकिन ये डिफरेंट अंदाज की डिश आप ज़रूर ट्राई कीजिए एंड यू कैन एंजॉय इट। जनाब आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मस्ट ट्राई रेसिपी है इस बकरीद के मौके पर। जनाब अपना, अपने घर वालों का, सब लोगों का ख्याल रखिए, अपने चैनल का ख्याल रखिए, अपने बाबा को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आज जनाब आपके लिए पेशावरी नमकीन गोश्त की रेसिपी लेके हाजिर। इंतहाई लजीज शानदार रेसिपी, बहुत मशहूर। जनाब इसमें सिर्फ और सिर्फ एक मसाला यानी ब्लैक पेपर इस्तेमाल होती है लेकिन जनाब बनने के बाद इसका जायका, उन हरी मिर्चों को हमने इस तरह लंबाई में काट लेंगे। ठीक है, 4 हरी मिर्चों को इस तरह हमने लंबाई में काट लिया। जनाब ये ख़ास अंदाज है नमकीन गोश्त बनाने के लिए हरी मिर्चों को इस्तेमाल करने का। हरी मिर्चों को काटने के बाद जनाब अब हम बारी है टमाटर काटने की। इसको एक टमाटर हमने इस्तेमाल किया है और इसको हम इस अंदाज में कट करेंगे कि इसके क्यूब्स बना लेंगे। ठीक है, ये लीजिए हमारे टमाटर भी हमने काट लिए, इनके क्यूब्स बना लिए। अब जनाब बारी है
अदरक को काटने की। एक इंच का हमने अदरक का पीस लिया, उसको हम छील लेंगे और उसके बाद लंबे लंबे स्लाइसेस में अदरक को हम काट लेंगे। ठीक है, लीजिए अदरक भी हमारी तैयार हो गई जनाब। ब्लैक पेपर लेंगे, उसको हम ग्राइंड में एक टेबल स्पून हमने ब्लैक पेपर ले लिया, हाफ टेबल स्पून हमने नमक का शामिल किया, आप हसबे जायका शामिल कर लीजिए। इसके बाद जनाब हमने हाफ के जी मटन इस्तेमाल किया है। मटन का जब आप गोश्त सेलेक्ट करें तो ये ख़ास ख्याल रखिएगा कि अब हड्डियों के ऊपर गोश्त हो आपके और इसमें चिकनाई वाली बोटियाँ ज़्यादा हों। देखिए ये हड्डियाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें चिकनाई भी लगी हुई है, गोश्त भी लगा हुआ है, क्योंकि हम नमकीन गोश्त बनाने जा रहे हैं तो जो चिकनाई के अपना एक जायका होता है वो उसको नमकीन बनाएगा। देखिए ये रूखी बोटी थी, इस बोटी के पास चिकनाई लगी हुई है। ठीक है, ये देखिए मैं आपको चिकनाई वाली बोटियाँ प्लेट उठा के दिखा देता हूँ। ये देखिए आपको सिर्फ सामने चिकनाई वाली बोटियाँ नज़र आ रही होंगी। कुकिंग की तरफ बढ़ते हैं जनाब। हमने अपने पोट को गर्म कर लिया, इसमें हाफ कप हमने ऑयल का शामिल किया, चार इसमें हमने हरी मिर्चें डाल दी और लीजिए जनाब हमने अदरक के इसमें पीसेस भी शामिल कर लिए। अब इसको हम फ्राई करेंगे, हरी मिर्च और अदरक को हम दो मिनट के लिए फ्राई करेंगे। हमने बर्नर के फ्लेम को लो से मीडियम पर रखा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम रखेंगे, आँच बहुत ज़्यादा होगी तो ये जल जाएगा। इसको लो से मीडियम फ्लेम पर रख के हम इसको तकरीबन दो मिनट के लिए फ्राई करेंगे। साथ साथ चलाते रहेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। जनाब दो मिनट हमारे फ्राई हो गए, अब इसमें हम मटन शामिल करेंगे। हाफ के जी मटन कर लिया था, उसको हमने तैयार कर लिया और ये जनाब हमने अपने डिश में इसको शामिल कर लिया। अब इसको हम फ्राई करेंगे हरी मिर्च और अदरक के साथ। बस ये पूरी जो डिश है ये इसका जो बुनियादी बेस है वो आपके फ्राई है। जितने अच्छे तरीके से आप इसको फ्राई करेंगे आपकी डिश उसी तरीके से बेहतरीन अंदाज में तैयार होगी। लीजिए हम फ्राई करते चले जा रहे हैं, आँच को हमने स्टिल लो से मीडियम पे रखा है। ठीक है, हम बोटियों को पलटते जाएंगे ताकि इसकी ऊपर की साइड भी जो है वो फ्राई होती रहे। ठीक है, इसकी साइड चेंज करते रहेंगे बोटियों की, इसको फ्राई करते रहेंगे। बहुत ही आसान सादा लेकिन जनाब खाने में इतनी लजीज क्या, इंशाल्लाह आप इसको बना के सर्व करें, घर वालों को खिलाएं, मेहमानों को खिलाएं, हर शख्स इंशाल्लाह इसको पसंद करेगा। ठीक है जनाब, ये लीजिए अब हम इसकी साइड्स को चेंज करना शुरू कर देते हैं। एक साइड हो गई हमारी तैयार, दूसरी साइड हम बोटी की चेंज कर देते हैं। इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, बहुत अगर ज़रूरी हुआ तो इसमें आधा कप या क्वार्टर कप हम पानी इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज़ जो गोश्त का अपना जूस निकलता है पकाने में और जो टमाटर का जूस है उसी से इंशाल्लाह इसके गोश्त को हम गलाएंगे। दैट्स द की सीक्रेट टू प्रिपेयर दिस रेसिपी। ठीक है, ये भी हमने साइड चेंज कर शामिल करने की, आई वुड से स्पाइस शामिल करने की। नमक हमने हसबे ज़ाय कर लिया और इसके बाद जनाब हमने 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर का इसमें शामिल किया और जनाब टमाटर, नमक, ब्लैक पेपर, लीजिए हम तमाम चीज़ें एक साथ इसमें शामिल कर लेते हैं। ये हमने तमाम चीज़ें अपनी डाल दी, थोड़ा सा प्लेट में लग गया, उसको भी हम अपने स्पून की मदद से हंडी में शामिल कर लेंगे। ये जनाब टमाटर, काली मिर्च और नमक हंडिया में चले गए, अब इसको हम फ्राई करेंगे। ठीक है, 3 मिनट के लिए हम अपनी डिश को फ्राई करेंगे।
अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स करते चले जा रहे हैं, इसको फ्राई करते चले जा रहे हैं। साइडों से हम देख लेंगे ताकि मसाला हमारा साइडों पे ना लगे। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करने के बाद स्पाइसेस को हम इसको अब जनाब कवर कर देंगे। आँच को हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है, ठीक है। 45 मिनट्स के लिए हम इसको कवर करेंगे ताकि गोश्त हमारा गल जाए। और इसमें उसी बात का ख्याल रखें, अगर ज़रूरत हो तो पानी क्वार्टर कप शामिल करें, अदरवाइज इसको इसी तरह गलने दें गोश्त को। ये लीजिए जनाब, 45 मिनट के बाद हमारा गोश्त गल के तैयार हो गया। देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत हमारा गोश्त तैयार हुआ है। इसका देखने में भी जायका, देखने में भी माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है। जब इंशाल्लाह आप इसको बना के खाएंगे तो आपको बहुत मज़ेदार डिश खाने को मिलेगी इंशाल्लाह। जनाब आप इसको मज़ीद हम 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अब हम अपने बर्नर को मीडियम से लो से मीडियम पे रखेंगे। देखिए हम फ्राई करते चले जा रहे हैं जनाब। देखिए ये हमारी बोटी हड्डी से सेपरेट हो गई, दैट मीन्स कि हमारा गोश्त गल चुका। हम इसको मज़ीद और वेरीफाई कर लेंगे बोटी को तोड़ के। ठीक है, माशाल्लाह से हमारा गोश्त गल चुका। इसको बिल्कुल फाइनल स्टेज के ऊपर है हमारी डिश। इसको मज़ीद तकरीबन 1 मिनट हम इसको और फ्राई करेंगे और उसके बाद जनाब इंशाल्लाह हम इसको गार्निश की तरफ लेके जाएंगे। जनाब आपकी हौसला अफजाई की ज़रूरत है हमें, नया चैनल है, आप इसको डिश को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में अजीज़ों में चैनल को फॉरवर्ड कीजिए, अपने कमेंट से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। जनाब बर्नर को करते हैं बंद, डिश को करते हैं कवर। ये लीजिए आपकी पेशावरी नमकीन गोश्त की डिश तैयार। जनाब उम्मीद है आज की आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, आप इसको ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे आगाह कीजिएगा कि आपको कैसी लगी। ठीक है, अपने चैनल का ख्याल रखिए, चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। अपना, अपने घर वालों का, तमाम दोस्तों का ख्याल रखिए। अपने बाबा को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।